हिमाचल प्रदेश के दूरगामी क्षेत्रों में राशन लेने की दिक्कतें अब जल्द ही दूर की जाएंगी और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीणों को घर के नजदीक ही राशन मिले। ये बात प्रदेश खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर के झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गाँव के अंदर डिपो खोलकर घर के पास ही लोगों को सुविधा आगामी दिनों में दी जाएगी और नियमों में ढील मिलते ही कैबिनेट में रखा जाएगा ताकि गाँव के लोगों को राशन के लिए दूर दूर तक न जाना पड़े। सरकार जल्दी ही ये फैसला करने वाली है कि जहां हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, दूरदराज के क्षेत्र, जहां लोगों को राशन लेने की असुविधा होती है, 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है और बार बार भी जाना पड़ता है, कई बार सामान पूरा एक साथ नहीं आता है, कभी कोई आइटम नहीं आती किसी कारण से, कभी कोई आइटम नहीं आती और लोग वाहन करके वहां जाते हैं, जीपे करते हैं, गांव के लोग दिन भर वहां बैठे रहते हैं, कई बार रश होता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए गांव के पास घर द्वार आसपास उनको राशन लेने की व्यवस्था हो, इसके लिए भी सरकार ने विचार किया और इसके नियम बनाए जा रहे हैं और गाँव के अंदर सब डिपो या डिपो जो भी जैसी व्यवस्था हो, जहां वहां के स्थानीय लोग चाहेंगे उसके अनुसार वहां सब डिपो या डिपो खोलने के लिए जो वर्तमान में नियम है उन नियमों में ढील दी जा रही है, उसके लिए ड्राफ्ट हम बना रहे हैं और नियम में ढील देने के बाद ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा और उसको कैबिनेट में मंजूरी के बाद जो है प्रदेश की जनता को उसको समर्पित किया जाएगा और गाँव में और अधिक डिपो हम खोल सकें ताकि गांव के लोगों को बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, अपना समय बर्बाद ना करना पड़े और सामान भी उनको आज अपने घर के पास मिले, इसकी चिंता भी सरकार ने की। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस की बयानबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य होने के चलते कांग्रेस को अब छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही, इसलिए कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयानबाजी आए दिन करने में लगे हुए हैं। पास कोई मुद्दा है नहीं, आज कुछ मुद्दा निकालते हैं, कल कुछ मुद्दा निकालते हैं, तो मुद्दा विहीन होगी ये कांग्रेस पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है प्रदेश के अंदर, हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, अब उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो अनाप शनाप बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।